हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य चौधरी। आज फिर मैं आया हूँ नरेला और सागर भाई से मिलने के लिए। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप? बढ़िया भाई। अच्छा, और आज क्या दिखाने वाले हो भाई? मैं आपको दिखाऊंगा स्टैंडर्ड साइज में शैंपेन कलर में अमेरिकन बुली में भी आपको जो है एग्जॉटिक कलर में आता है शैंपेन। आज बड़े भाई ने आपको बताया होगा, अभी पिछले हफ्ते आपने वीडियो डाला था, उसमें एग्जॉटिक कलर में ही करते हैं हम जो भी करते हैं। अच्छा, सही बात है। अमेरिकन बुली आपने ओपनिंग वीडियो में दिखाया होगा, ये बैठा हुआ है, मैंने देखा है। वैसे मैं जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, देखो वो छोटा सा दिख रहा है आपको भाई, काफी ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी। और नाम क्या बताया आपने भाई? विली नाम है हमारा, विली नाम का है। और अच्छा। लगभग 17 महीने का डॉग है। 17 महीने का? हाँ, तो भाई दिखाते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं भाई उसके बारे में। भाई ये विली नाम है मेरे डॉग का। अच्छा, विली। पिछले से पिछले मंथ ये अप्रूवल हुआ है, एक्साइटमेंट में कर रहा हूँ, डरो मत। भाई देखो ये सांसों की आवाज ना कानों तक गुजर रही होगी। काफी ज्यादा मतलब गर्मी होने की वजह से मतलब काफी थक गया ये। अच्छा भाई, उससे नहीं ये ओवर एक्साइटेड हो रहा है। अच्छा, ओवर पार्क में आता है घूमने। अच्छा, और इसको अभी लग रहा है कि मेरे वॉक का टाइम है पर मुझे घुमा नहीं रहे हैं, वीडियो शूट वगैरह ये सब समझता नहीं बेचारा। अच्छा, सही बात है, जानवर है ये भाई। इसके बारे में कुछ बताओ, इसी डॉग के बारे में। भाई ये एक पंजाब के वेल नोन ब्रीडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी उनका। अच्छा, उनके पास इम्पोर्ट थे दो डॉग्स। अच्छा, और मतलब पेयर था, डॉग्स तो कहना गलत होगा। अच्छा। पेयर था, मेल फीमेल दोनों सेम कलर के ही थे। अच्छा। उनसे मैं ये पपी लेके आया था। अच्छा, और मैं पपी लाया था लगभग डॉग भाई मैं लेके आया था 72-73 डेज के अराउंड। अच्छा, और स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो बाई गॉड प्रेस, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है और ग्रूमिंग वगैरह इसकी टाइम पे होती रहती है, तो कोट हर जगह से प्रॉपर है, शाइनी कोट है, हाइड्रेटेड कोट है। अच्छा, और मतलब टाइम टाइम पे जैसे लोग क्या करते हैं, मील दिया बस उसके बाद ध्यान देना। मेरे डॉग के बाउल में 24/7 पानी रखा रहता है। अच्छा। ये ब्रीड्स जो हैं, हालांकि कोई भी डॉग हो गर्मी में पानी ज़्यादा पीते हैं, पीते हैं, सही। ये ब्रीड्स गर्मी में इनको प्रॉपर पानी चाहिए ही चाहिए, चाहिए, चाहिए। वरना हैवी मसल होते हैं, मसल्स भी आप देख रहे हो कितने हैवी हैं। हाँ। अगर पानी नहीं रहेगा तो बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, सही बात है। ये चीज़ें छोटी मोटी ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जैसे मेरे पास ये कोई ऐसी इसकी एक्स्ट्रा वो नहीं है कि मुझे एसी में रखना पड़ता है, या हालांकि मैं तो एसी में सोता हूँ, पर ये अगर नीचे हम कूलर में बैठे हैं तो कूलर में भी बैठता है, एसी में भी बैठता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डरली इसके लिए कुछ मुझे अलग से खर्चा चाहिए। कोई इतनी मतलब अनयूजुअल डाइट नहीं है, जो घर में खाते हैं वो खा लेता है। अच्छा, भी खाता है, राइस भी खाता है। अच्छा अच्छा, एग्स भी खाता है। अच्छा, वैसे रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर में इसको मेन डाइट में वो देता हूँ। अच्छा, अभी ग्रोन अप हो चुका है, लोग इस एज में एडल्ट देना शुरू कर देते हैं। हाँ। पर मेरा मानना ये है कि मैक्सी स्टार्टर उनसे काफ़ी बेटर है। हाँ। उसमें डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ग्रोथ के लिए अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन सोर्स उसमें काफ़ी होता है। अच्छा बिली। अच्छा भाई, अब इसकी मतलब ना एक चीज़ बताओ, किसी बंदे को जैसे कोई बंदा ले भाई, तो देखो आपने एक बात सुनी होगी, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। हाँ, आप लोग अगर कुछ आप देखिए पेट लाते हैं तो 10-12 साल अगर आप लोग केयर करते हैं तो 10-12 साल तो ज़रूर रहता है आपके जरूर से। सही बात तो है। आप एक बार अच्छा स्पेंड करके अच्छी चीज़ ले लें वो ज़्यादा बेटर है, बल्कि आप 4 पैसे बचाने के चक्कर में थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके और फिर बार बार उसको वेटनरी जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनके पास जाते रहे, उससे बेटर ये है कि आप एक बार खर्चा कर लें। अब मैं जिस टाइम पे मैं लाया था मुझे लगभग 70,000 रुपये का अराउंड पड़ा था ये। 70,000 रुपये का? हाँ। अच्छा, मैं अल्टीमेट चीज़ देख के लाया था। हाँ। अभी इसके ऑफस्प्रिंग हुए थे, पप्स हुए थे इसके 2 मंथ पहले। हाँ जी। मैंने जिनके घर में उसके पप्स थे, मेरे पास तो फीमेल वगैरह होती नहीं है, मैंने तो शॉक में रखा हुआ है। अच्छा, तो कुछ लोग मेरे से मीटिंग करा के ले गए थे। अच्छा। उनके घर पे बच्चे हुए थे। अच्छा, उन्होंने जो पपीज सेल किए हैं 30-35,000 इस रेंज में निकाले थे। अच्छा, और 7 पप्स हुए थे वहाँ पे। अच्छा। 5 मेल थे, 4 इस कलर के ही थे। अच्छा, और 2 फीमेल थी, फीमेल एक इस कलर की थी और एक थोड़ा एलिफेंट ग्रे कलर का। अच्छा, तो भाई प्रोड्यूसिंग अभी दोनों कलर के डाल रहा है, ग्रे भी डाल रहा है और शैम्पेन कलर भी डाल रहा है। अच्छा। लेकिन 7 में से 5 पप्स जो हैं इसने ऐसे डाले हैं।
और इस कलर के पफ सारे ही बहुत भाई एक्सट्रीम सुंदर लगते हैं सारे भाई, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रेड नोज है आप देख रहे हो, काफ़ी रेड नोज, आँखों के कॉर्नर पे जो है आई लैशेज से नीचे स्किन का पार्ट है ये भी रेड है। मजल में अंदर जो मसूड़े दिख रहे हैं इसके गम्स वगैरह बिल्कुल डीप रेड है। अभी जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा गीला कर दूंगा ना भाई बिल्कुल डेविल फेस लगेगा। अच्छा हाँ, जैसे गॉब्लिन होता है ना गॉब्लिन, हाँ हाँ, हॉलीवुड में आपने देखा होगा कभी ना कभी गॉब्लिन, हाँ, गॉब्लिन जैसा लगता है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा गीला होता है बिल्कुल गॉब्लिन वाली अपीयरेंस आती है। अच्छा, एक फैमिली पैक के साथ साथ ना मतलब माचो लुक आती है। अच्छा, जो जवान लड़के देखते हैं कि हाँ भाई लॉन्डे जैसे यार बुलेट वाली टशन नहीं होता टोरा, हाँ, होता है कि बुलेट रखेंगे, हाँ, वैसे डॉग रखो तो फिर थोड़ा माचो रखो, माचो रखो भाई, लड़का तो यही रखेगा वो वाली बात। भाई ऐसा कोई बंदा किसी बंदे को चाहिए डॉग, ठीक है, हाँ, तो वो आप अवेलेबल करवा देते हो? हाँ बिल्कुल करा देते हैं भाई अवेलेबल। अच्छा, देखो क्वालिटी, जैसे आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो ना सबसे पहले आपको क्वालिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए आप एक्चुअल में क्या चीज़ लेना क्या चाह रहे हो, हाँ, आपको पहले ये पता होना चाहिए, फिर आपको उसके बजट का एस्टिमेट होना चाहिए कि ये क्वालिटी जो मैं चाहता हूँ किस रेंज तक आ जाएगी, आ जाएगी। क्योंकि अब अगर मान लीजिए चीज़ है 30-35 हज़ार के और कोई आपसे मांग रहा है 50 हज़ार के, हाँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और मतलब चीज़ है 30-50 की और मतलब कोई बंदा दे रहा है 8-10 हज़ार रुपये, हाँ, वो भी वो हमारे जैसों के लिए गलत है, वो भी गलत है, हाँ, क्यों? तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मतलब एक चीज़ मेरे से जैसे 30-35 हज़ार की कोई चीज़ है, हाँ, वो 8-10 हज़ार में दे रहा है तो वो प्रॉपर 100% श्योर हूँ मैं कि भाई प्रॉपर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होगी नहीं, हाँ, सही बात है। नहीं कई बार क्या होता है इंसान रख नहीं पाता उस वजह से भी सस्ता दे देता है। अच्छा, लेकिन 100 में से 99 लोग जो है वो पागल बनाते हैं, पागल बनाते हैं, फोटोज किसी और के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हाँ, जो वो आपको वही बताते हैं ना कि मदर फादर है, हाँ, आप किसी ट्रेडर के पास मत फंसिए जो बीच में ट्रेड कर रहा हो। अच्छा, मतलब ब्रोकर के पास, हाँ, ब्रोकर के पास मत जाइए जिसके पास खुद के पास जो कहता है भाई मेरे डॉग का बच्चा है मैं मेटिंग के बदले में लेके आया हूँ, या तो आप उसके घर जाके डॉग देखिए, या जो कहता है मेरी फीमेल ने बच्चे दिए थे आप उसकी फीमेल देखिए, हाँ, भाई जब फीमेल ही अच्छी नहीं होगी या मेल ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कैसे अच्छे होंगे। सही बात है। आप एक चीज़ देखो जो बंदा खुद 6 फुट का होगा, हाँ, उसी के बच्चे तो 6 फुट के होने के चांसेस होंगे ना, जो 5 फुट का होगा उसके बच्चे 6 फुट के कैसे हो जाएंगे। सही बात है, वही वाली बात, वही वाली बात। तो आप इसकी क्वालिटी को जज ऐसे कर सकते हैं, पहले ये छोटा भाई है ये अभी आपको दिखाएगा सारी चीज़ें, ये सारी बताएगा। मेरे जितने भी डॉग्स हैं, छोटा भाई है मेरा धीरज नाम है, सारे डॉग्स की केयर यही करता है जो इतना हेल्दी एक्टिव आपको दिख रहा है। और भाई भी देखो ये धीरज की ही मेहनत है, घुमा के भी यही लाता है, सारी चीज़ें यही करता है भाई, काफ़ी मेहनत करते हैं। धीरज बैठ जा भाई, बताएंगे भाई इसकी मतलब इसकी बताओ भाई क्वालिटी कैसे जज की जाती है। क्वालिटी भाई देखो आप जब भी पप्पी लेने जाओ, हाँ, बोन्स देखिए, बोन्स हैवी बोन्स होनी चाहिए, हैवी बोन्स होनी चाहिए, सही बात है। हेड, हेड प्रॉपर हैवी हेड होना चाहिए अगर आप अमेरिकन बुली लेने जा रहे हैं तो। नहीं जैसे मतलब कोई बच्चा होता है बच्चे में पता नहीं, बच्चे का हेड बिल्कुल उसकी शक्ल बताता है, और जो पिटबुल मिक्स बुल्ली करके बेचते हैं ना जी उनका हेड इतना हैवी नहीं हो सकता, अमेरिकन बुल्ली का हेड एक्स्ट्राऑर्डिनरली हैवी नहीं होता है। 1.5 मंथ का 2 मंथ का बच्चा जो है 60 डेज से पहले तो पापा आप किसी को दे भी नहीं सकते। सही बात है, ठीक है, 60 डेज में बच्चा अपनी ग्रोथ दिखानी शुरू कर देता है। और ये देखिए जैसे इसका मतलब, अच्छा भाई एक क्वेश्चन और मैं, जैसे मतलब है ना देखें 30-35 दिन के बच्चे ना सेल कर देते हैं, वो सेल करना सही है? 30-35 दिन के बच्चे सेल करना मेरे हिसाब से तो गलत है, गलत क्योंकि है। मेरे हिसाब से कम 50 दिन तो बच्चे को मदर मिल्क लेना चाहिए, मदर मिल्क लेना सही बात है। 50 दिन के करीब मदर मिल्क लेता है, फिर ओरल फीडिंग जब वो खुद से चालू कर देता है उसके बाद देना चाहिए, वैक्सीनेशन वगैरह अप टू डेट कराते रहने की। अच्छा मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ, हेड हैवी होना चाहिए, बोन हैवी होना चाहिए, और जो ये फेस है ना मजल, हाँ, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, पिटबुल में ये लॉन्ग होता है। अच्छा, अमेरिकन बुल्ली का राउंड बॉक्स फेस देता है, अच्छा, छोटा होता है, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकला होता, जैसे आप ये देख पा रहे हैं आइस से इसका नाक ज़्यादा दूर नहीं है, पिटबुल का आइस से नाक जो है वो दूर दूर होता है, ठीक है, लंबा मुँह होता है पतला मुँह होता है। और आप जज कैसे और कैसे कर सकते हैं, फेस चौड़ा जैसे ये जो इसके दांतों वाली ओपनिंग आप देख रहे हैं, पिटबुल की ये स्ट्रेट होगी। अच्छा, और बुल्ली की थोड़ी इस टाइप से जैसे वी शेप बनेगी ऊपर से। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे आप जज कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, प्रॉपर भाई इसके कट्स निकल रहे जिम वाली, भाई जिम में जाता है क्या भाई है? भाई जिम नहीं है, मैंने आपको बताया जैसे छोटा भाई है धीरज। अच्छा, धीरज इस पर काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता है भाई, सुबह इसको उसके वॉक पे लेके जाता है,
हफ्ते में दो बार स्विमिंग के लिए भी लेके जाता है अपने साथ। अच्छा अच्छा, वो स्विमिंग जहाँ से स्विमिंग करता है, हर कोई तो खैर स्विमिंग नहीं करा सकता डॉग को। हमारे पास जो स्विमिंग का जो ऑप्शन है वो भी बंदे शौकीन है डॉग के। अच्छा, वो उनको बहुत पसंद है ये बब्बू। अच्छा, बब्बू इसके घर का नाम है। अच्छा, ऑफिशियल नेम इसका विली है, बब्बू हम इसको घर में प्यार से बुलाते हैं। अच्छा, तो उनको ये बहुत पसंद है, वो स्विमिंग करने देते हैं अपने वहाँ इसको। अच्छा, करने देते हैं। जैसे जिस दिन क्लीनिंग होनी होती है स्विमिंग पूल की, उस दिन उससे पहले इसको वहाँ वो स्विमिंग करने देते हैं। दो बार हफ्ते में स्विमिंग करता है ये। अच्छा, और रनिंग इसकी डेली होती है सुबह के टाइम। गर्मियों में थोड़ी कम होती है, सर्दियों में थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, मतलब ये वीडियो ना आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ मतलब कंट्री, सारी कंट्री से देखते हैं, सारी स्टेट से देखते हैं। तो किसी को ये डॉग किसी को चाहिए हो तो भाई उसके पास मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी? भाई देखो, आउट ऑफ द इंडिया तो अभी हमारा इतना बड़ा। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ स्टेट तो मिल जाएगी। मैं जरिए जानता हूँ। अच्छा, अपना दिल्ली एयरपोर्ट से हो जाते हैं आउट ऑफ इंडिया भी। अच्छा, क्योंकि मेरा कज़न है वो कनाडा में रह रहा है, तो वो अपने साथ ही लेके गया अपना डॉग। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया का भी अगर किसी को एडवाइस भी चाहिए कैसे जाएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, लेकिन आउट ऑफ दिल्ली तो करवा दोगे? इंडिया में तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ डिलीवरी करा देंगे, वाया फ्लाइट कहोगे वाया फ्लाइट। अभी लॉकडाउन के उससे जो है ट्रेन से हो नहीं पा रही है, जिस दिन भी ट्रेन में शुरू होंगी ट्रेन से भी हो जाती है डिलीवरीज। अच्छा, और वैसे मेरा सजेशन ये होता है कि आप फ्लाइट से करें। हाँ, फ्लाइट से बेनिफिट ये होता है कि जल्दी पहुंच जाता है, डॉग एग्जॉस्ट नहीं होता। हाँ, ट्रेन में अगर आप बेंगलोर लेके जा रहे हैं तो लगभग भाई आप खुद ही सोच के चलो डेढ़ दिन लग जाता है, 36 घंटे के अराउंड। हाँ, लग जाते हैं 36 घंटे में। अगर मान लो कोई 3 मंथ का बच्चा है। हाँ, तो 3 मंथ का बच्चा तो भाई काफी एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। थक जाता, सही बात है। जब इंसान थक जाते हैं तो इंसान ही थक जाते हैं। जब फिर वो फ्लाइट में ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 घंटे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, जो लॉजिस्टिकल क्लियरिंग वगैरह में जो टाइम लगता है कार को पे वो अलग है, वो अलग है। लेकिन 1.5 घंटा कोई ज्यादा नहीं होता। 1.5 घंटा आप यहाँ से जो है बच्चे को दही वगैरह खिला के और ऐसे भेजेंगे। हाँ, जब तक उसका दोबारा कुछ खाने पीने का टाइम होगा तब तक वो वहाँ पहुँच जाएगा। सही बात है। तो उसमें पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, पर वो चीज काफी सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है और इफेक्टिव भी है। अच्छा अच्छा भाई, अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मतलब किसी को चाहिए तो आपने बताया डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी तो डिलीवरी चार्ज भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज इसमें इंक्लूड होगा? डिपेंड के किस स्टेट में जाने वाला है। अच्छा, मैं आपको पपी की कॉस्ट बता दूंगा एट मोमेंट जो भी होंगे हमारे पास। अच्छा, मेरे घर में तो होते ही नहीं है, कोई ना कोई मीटिंग करा के लेके जाते हैं तो उनके घर में होते हैं। अच्छा, और कोई अगर मेरा भाई मीटिंग कराने की भी इच्छा रखता है तो मीटिंग भी हो जाएगी। मीटिंग भी हो जाएगी। मीटिंग मैं सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे देता हूँ। अच्छा, पपीज पे मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में शौक में रख रहा हूँ, मैं कितने बच्चे रखूँगा। सही बात है, है ना? सही बात है। तो अगर किसी को कोई हो जिसको ये कलर अच्छा लगा, एग्जॉटिक कलर में वो चाहता हो कि अमेरिकन बुल्ली में मेरे घर में बच्चे हो, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, वगैरह में डाल देना। थोड़ा दूर इसको, इसकी प्राइस की बात करूं तो भाई इसका प्राइस कितना होने वाला है? भाई प्राइस देखो, जो हमारा विली है। अच्छा, सेम विली वाली क्वालिटी अगर कोई लेगा। हाँ, तो आप मान के चलो 30-35 इस रेंज में रहेगा मेल पपी। मेल और फीमेल रहेगी लगभग 25 के अराउंड। 25? हाँ, 25,000। हाँ, पर जो मेरी आदत कैसी है कि जो क्वालिटी मैं बोलूँगा। हाँ, मैं वही क्वालिटी अरेंज करा देता हूँ। ये वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए भाई, मतलब क्वालिटी बोली ये नहीं भाई। पता क्या, मैंने शौक में काफ़ी बार डॉग्स लिए, मेरे पास और भी हैं, मैं वीडियो में उन्हें दिखाने के लिए लाया नहीं कभी। आप फुर्सत से जिस दिन घर आएंगे ना, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए घर पे बन नहीं पाई वीडियो। आप जिस दिन घर पे आएंगे, मेरे पास 2-3 डॉग्स और हैं, मैं सारे दिखाऊंगा। मैं मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मेरे पास क्वालिटी में डाउन भी है एक दो। अच्छा, मेरे साथ जैसे इनिशियली धोखा हुआ, मैंने किसी किसी पर ट्रस्ट करके लिए, तो हमने धोखा खाया है इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और धोखा खाए। ठीक है, मैंने जिस चीज़ के लिए पैसे लगाए मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो अब मेरी इच्छा ये रहती है कि अगर कोई मुझे ट्रस्ट करके कह रहा है कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ भैया मुझे पप्पी चाहिए, तो मेरी अंदर से विश ये रहती है। हाँ, कि उसको उसकी डिजायरेबल चीज़ मिल जाए। अच्छा, पैसे लगा रहा है कोई, वो हमारे साथ एहसान वाली तो बात है नहीं कि हम उसको गिफ्ट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। भाई बंदा पैसे लगा रहा है तो चीज़ तो ऐसी चाहेगा ना कि मैंने पैसे लगाए हैं, किसी को दिखाऊँ तो उसको अच्छा लगे। अच्छा लगे, सही बात है। और पैसे की भी बात नहीं है यार, डॉग आप ऐसा पालो कहीं से निकले तो दो आदमी आपसे पूछे भाई कहाँ से लिया, भाई कहाँ से लिया था आपका डॉग, बड़ा सुंदर है। अब मुझे कम, मैं जब भी इसको वॉक पे लेके आता हूँ, धीरज तो खैर यूजुअल लेके आता है, मैं कभी कभी लेके आता हूँ। हाँ, जब भी मैं लेके आता हूँ 2-3 लोग मेरे से जरूर पूछते हैं कि भाई डॉग आपने कहाँ से लिया था। हाँ, फिर मैं पूरा बताता हूँ भाई पंजाब से लाए थे और ऐसे पूरी हिस्ट्री सुनानी पड़ती है इसकी हर जगह। अच्छा, काफी चर्चा में है भाई डॉग।
गाइस जैसा कि आपने क्वालिटी तो देख ली होगी, क्वालिटी जज कर लियो होगी जो क्वालिटी कैसी है। मेरे को तो भाई क्वालिटी सच्ची बताऊँ, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है, मुझे इसकी जैसी क्वालिटी अभी तक नहीं दिखी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और किसी को भी डॉग लेना हो तो भाई का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करो और भाई के पास कॉल की बरसात कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।